बाबा साकार हरी अपने सत्संग के अलावा अजब गजब अंदाज के चलते भी सुर्खियों में रहता है। और बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ कपड़े नहीं पहनता था। लोगों पर काला जादू करने वाले बाबा को सफेद कपड़े पसंद है और सत्संग में बाबा कोट पैंट पहनता है। बाबा साकार टाई पहनने का शौकीन, सूट बूट के साथ महंगे चश्मे का भी इसको शौक है, महंगी घड़ियों का भी शौकीन है ये बाबा। और इसके साथ ही इसे महंगे आसन में बैठना पसंद था। तो देखिए ये बाबा, इसके शौक एक एक करके सामने आ रहे हैं। सफेद कपड़े में अक्सर लोगों ने इसे देखा है। इसे सूट बूट पसंद था, सफेद कपड़े, सफेद जूता। ये बाबा का वो सोफा है, गद्दी है जिस पर बाबा बैठे हुए थे। ये आप देखिएगा, दर्शकों को बता दे ये बाबा, ये ऊंची वाली, देखिए ऊंची वाली गद्दी, मैं दर्शकों को दिखाता हूं, इस गद्दी पर बाबा बैठे हुए थे। ये आप देख सकते, ये वो गद्दी है, ये गद्दी है जिस पर बाबा बैठे थे। ये गद्दी अगर आप दिखाई, ये बाबा इसी गद्दी पर ये मंच है बाबा का। और एक और होगी जो बाबा की पत्नी बैठती थी बराबर पर, बाबा की पत्नी भी साथ आई, साथ रहती हर समय। देखिए बाबा की लग्जरी थी, आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ कारपेट बाबा के लिए, पैरों पर रखने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बाबा की व्यवस्था थी, आप सोचिए ये शानदार कारपेट, बकायदा अच्छे अच्छे टॉवल्स बाबा की सेवा में लगे हुए थे। यहाँ आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं, ये तमाम आपको दिखा दे के तौलिया है यहाँ पर, बहुत लग्जरी लाइफ। व्हाइट कलर बाबा को पसंद है, देखिए मैं आपको व्हाइट कलर बाबा, देखिए बाबा ये देखिए बाबा के ये वो कपड़े हैं जो व्हाइट कलर बाबा को बहुत पसंद था। वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट जूते पहनते हैं, बाबा को ये बड़ा शौक था और इसलिए व्हाइट टॉवल, व्हाइट हर चीज आपको सफेद नजर आएगी। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, बहुत बड़ी खबर आ रही है हाथरस के गुनेगार बाबा साकार हरी से जुड़ी। बाबा साकार हरी के खिलाफ साल 2000 में FIR दर्ज हुई थी। बाबा साकार हरी पर पाखंड फैलाने का केस दर्ज हुआ था 2000 में। इस मामले में बाबा जेल भी जा चुका था। ये मामला साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने में दर्ज हुआ था। और सोचिए 2000 के बाद हम बात कर रहे हैं 2024 में, यानी ऐसा नहीं कि ये किसी की नजरों में नहीं आया था या पुलिस की नजर में नहीं आया था। 24 साल पहले ये बाबा पुलिस की नजर में आ चुका था और आरोप लगा था कि बाबा पाखंड फैलाता है। बिल्कुल, मैं प्रलय ला सकता हूँ, वो चक्र दिखाकर भगवान बनने का नाटक करता था। पाखंडी बाबा का कच्चा चिट्ठा अब सामने आ रहा है। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है जुड़ी हुई बाबा साकार हरी से। बाबा साकार हरी पर पाखंड फैलाने का मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में बाबा जेल भी जा चुका है। ये मामला साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने में दर्ज हुआ था। बाबा की सारी कुंडली एक एक करके खुल रही है कि बाबा पर कितने आरोप लगे हैं। बाबा पाखंड आज से नहीं फैला रहा था, बाबा पाखंड 2020 से यानी 24 साल पहले से फैला रहा था। इस मामले में जेल भी जा चुका है ये बाबा, पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जेल पहुंचाया था। और लेकिन सवाल है कि उसके बाद फिर बाबा ने लगातार ये पाखंड का खेल कैसे कंटिन्यू रखा, कैसे जारी रखा, प्रशासन की नजर उस बाबा तक क्यों नहीं गई। साल 2000 में ये FIR बाबा के खिलाफ दर्ज होती है पाखंड फैलाने के लिए और उसके बाद बाबा को जेल की सजा भी काटनी पड़ती है और उसके बाद बाबा निकलकर बाहर आता है और फिर से पाखंड की दुनिया में वो कदम रखता है और फिर आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल, और प्रत्युष हमें ये भी समझना होगा कि इस बाबा ने ना सिर्फ अपना नाम बदला, अपनी पहचान छुपाई, लेकिन जिस तरह के मामले इस बाबा पर दर्ज हैं, अपनी पूरी क्राइम कुंडली भी अपने अनुयायियों से छुपा कर रखी। साल 2000 में ये मामला दर्ज हुआ था और एक नहीं कई मुकदमे इस बाबा पर दर्ज हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी इन मामलों की और ये अपना साम्राज्य फैलाता चला गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा तक में बाबा के हजारों लाखों की संख्या में अनुयायी हैं और आज इसी बाबा के सत्संग के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और राजू राज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजू, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, आप तमाम ऐसे लोगों के साथ संवाद कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं जो इस बाबा में विश्वास रखते थे, अब इस हादसे के बाद क्या कहना है उन लोगों का? देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि हादसे के बाद लगातार हम तमाम लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा इतने चमत्कारी और लोगों के दुख दर्द तकलीफ हर रहते थे तो कैसे 121 लोगों की मौत हुई, एक बड़ा सवाल है। हालांकि बाबा के ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हुए थे साल 2020 में, यानी 24 साल बीत गया, 24 साल पहले बाबा के ऊपर चमत्कार करने का इस तरह का जो आरोप लगा था कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, इस तरह की धाराओं के तहत बाबा के खिलाफ आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें बाबा की गिरफ्तार
गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 24 साल के बाद जिस तरीके से हादसा हुआ कहीं ना कहीं बाबा की कलाई खोल दिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो बाबा पे आरोप लगे हैं कि 117 लोगों की मौत हुई है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो बताइए कि 117 लोगों की मौत हुई है, जिम्मेदार किसे मानते हैं? इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता इस मैटर मामले में। मैं यानी अभी मैं आया हूँ थोड़ा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बताएंगे 117 लोगों की मौत हुई है, आप इसी गांव में रहते हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार क्यों? बाबा चाहते चमत्कारी तो बचा सकते थे कि यहाँ पर एक ऐसा हादसा उसको रोक सकते थे। मैं रिश्तेदारी में आया, गमी हो गई ना, मौत हो गई थी मेरे बगल में। कुछ और लोग हैं इसी गांव के लोग, उनसे भी कहते हैं, आप बताइए कि आप इसी गांव के हैं? हाँ, गांव के। कल एक हादसा हुआ हाथरस में और वहाँ पे आपने देखा? इस घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अच्छा, बाबा से जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। अच्छा, हाँ, व्यवस्था तो बाबा ने खुद करवाया था, आयोजक बाबा के ट्रस्ट के लोग थे। नहीं, नहीं, बाबा के ट्रस्ट लोग जरूर थे जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए करवाया था, जिन्होंने ये समिति गठन की थी कि हम अपने यहाँ इसके लिए वो कराएंगे, सत्संग कराएंगे, वो लोग जिम्मेदार हैं, वो वहाँ से जिम्मेदार हैं। जो भी लोग आएंगे, बाबा के भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो आए होंगे, उनकी मौत हो गई। क्या ऐसी परिस्थिति में बाबा को खुलकर सामने उन परिवारों से नहीं मिलना चाहिए था, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था? बाबा आखिरकार क्यों भागे फिर रहे हैं, क्यों फरार हैं, क्यों बाबा फरार हैं? तो अब इस संबंध में तो बाबा श्री खुद जानते हैं कि मैं उनसे मिलूं अथवा न मिलूं, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भी तो उनके श्रद्धालु थे, बाबा तो श्रद्धालु के लिए गए थे, प्रवचन देने के लिए गए थे। ये तो वो जाने, वो बाबा श्री जाने इस चीज के लिए, हम क्या कहेंगे अपनी तरफ से। बाबा को सामने आना चाहिए था, बाबा को सामने आना चाहिए था। अच्छा ठीक, तो ये ग्रामीण है जिनका जवाब आप सुन रहे थे कि कैसे जो कई बाबा के भक्त हैं और अभी भी बाबा पर उनकी भक्ति है, शायद इस वजह से वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या सवाल से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर बाबा साकार हरि कहां फरार है, कहां गायब है।